तो यहाँ पे बहुत सारी हैंड का बना हुआ वुडन का यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। याद के लिए अगर मेघालय की कुछ याद ले जाना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। ये तो वो दालचीनी, दालचीनी हाँ, लकड़ी का कंघा कॉम्ब। ये कार यहाँ, ये भी सब बना हुआ। हाँ अच्छा है, काफ़ी अच्छी इसकी महाकारी है, काफ़ी खूबसूरत है, लोकली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। कितने का है ये? 100 का है? अच्छा, ये 50, 50 का है। ये 20। अच्छा 20 का, ठीक है। ये तो तेज पत्ता भी लोकल ही होगा यहाँ का, लोकल यहाँ का ना। चलो थैंक यू। तो अभी दोस्तों चेरापूंजी से आ रहे हैं, रास्ते में मॉक डॉक विलेज मिला है। वैसे गांव बड़े खूबसूरत है, यहाँ पे एकदम साफ़ सुथरे हैं, नीट एंड क्लीन है। तो ये जो हेलमेट, हाफ वाला हेलमेट है ना, ये कान में बहुत दबा रहा है, यहाँ पे ये दबा रहा है तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और साइज़ से थोड़ा छोटा है, हाफ हेलमेट है, तो कंफर्टेबल नहीं है। कपड़ा कल जो है गीला हो गया था तो मैंने सोचा यहीं इसको टांग देता हूँ। दोनों मिरर में एक एक जो है, एक टी शर्ट एक बनियान टांग दिया है, और बैठ करके कौन सुखवाए, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो मैंने सोचा कि चलो इस तरह से इसको सुखा लेते हैं। और बाइक हमने 12 को जमा करने के लिए लिया था, तो उसने बोला था 11 को, एक दिन पहले बता देना, अगर एक दिन के लिए और रखना होगा तो बता देना। तो मैं 13 तक रख रहा हूँ और फ़ोन करके बता देता हूँ उसको कि भाई 13 तक रखूँगा बाइक को। चलो फिर आगे मिलते हैं, अब दावकी जाएंगे हम, दावकी साइड ही जा रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा बीच में नहीं रुक रहे हैं, सारे फॉल्स एक ही जैसे। दोस्तों यहाँ पे एक ये तिराहा मिला है, और यहाँ से एक रास्ता जो है लैट ग्योंग कॉट रोड करके कुछ लिखा हुआ है, तो यहीं से निकल लेते हैं दावकी साइड के लिए। और दावकी वाला रोड आगे जो है मिल जाएगा, इसी रोड से शॉर्टकट रास्ता जा करके। बहुत लंबा पीछे 10 किलोमीटर जाना, फिर 10 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर लंबा जाने कोई मतलब नहीं है, तो यहीं से कट लेते हैं। 3.25 किलोमीटर लेंथ लग रही है, और मैंने गूगल पे भी देखा है, तो इधर शॉर्टकट उसी रोड में जाके मिल जाएगा दावकी वाली रोड। मैं चेरापूंजी से इधर चेरापूंजी चला गया है, और इसी चौराहे से इधर जो है दावकी चला गया है, और ये शिलांग चला गया है इधर। चलो आओ चलते हैं। दोस्तों अभी हम शिलांग से दावकी वाले रोड पे जा रहे हैं, और माउलिंग विलेज जो एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है वो भी वहीं पे पड़ेगा। तो इस रोड को आई थिंक ये 4 लेन बना रहे हैं, मतलब 2 लेन तो है ही, इसे पूरा नेशनल हाईवे या 4 लेन जो है बांग्लादेश बॉर्डर बनाने का कुछ काम चल रहा है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, यहाँ भी पहाड़ की कटिंग जारी है, तो इससे भी क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है। कुछ जो मतलब पर्यावरण विशेषज्ञ हैं वो ऐसा मानते हैं कि इस पहाड़ों की कटिंग की वजह से यहाँ पे जो है प्राकृतिक आपदाएं अब ज़्यादा आ रही हैं। तो आप देखें ज़रा थोड़ा सा किस तरह से कटिंग, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और पूरे पहाड़ को काट के हटा दे रहे हैं वो। ये देख रहे हैं, ये पहाड़ों की इस तरह से कटिंग की जा रही है, उस पर बहुत बड़ी मशीन भी चढ़ी हुई है, ये पूरा पहाड़ को ही काट के हटा देंगे। ऐसे जगह जगह कटिंग चल रही है, इधर भी कटिंग चल रही है, इधर पीछे भी। तो भाई इधर से गुजर रहा था और नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा वीडियोग्राफी कर लिया जाए, एक छोटा सा क्लिप बना लिया जाए। और ये कुछ व्यू पॉइंट टाइप का बना हुआ है ना, बैठने के लिए भी। और ये पहाड़ का बहुत भयंकर जो है जंगल है ऊपर ऊपर, और इसी के बीच से रास्ता बना हुआ है, देख रहे हैं। ये दावकी की तरफ गया है, और ये शिलांग गया हुआ है इधर पीछे। तो
यहाँ पे जो थोड़ा सा नज़ारा बढ़िया था, हमने कहा थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। भाई पैर तो अब भयंकर दर्द कर रहे हैं। आप लोग बोलेंगे कि बार बार वही बात बोल रहा है, बार बार क्या बोलें, परेशानी हो रही। तो ये कुछ नज़ारा रहा यहाँ का। निकलते हैं, अभी काफ़ी दूर हैं यहाँ से, लग रहा है मुझे आज इधर ही स्टे करना पड़ेगा। कल 12 तारीख है, कल फिर वापस आएंगे। अभी तक तो रोड बहुत अच्छा मिला था, लेकिन अभी देखिए रोड कितना ख़राब है। पूरा ये रोड पत्थर पड़ा हुआ है। तो इसी रोड पे चलना पड़ रहा है और बहुत समय लग रहा है इस रोड पे चलने में ना। पूरा रोड पे 4 लेन का काम चल रहा है, अरे 4-5 साल तक ऐसे ही रहेगा प्रॉब्लम यहाँ पे। भाई पीछे रोड पे काम चल रहा है और इतना ख़राब रोड है ना, पूरा एकदम गिट्टक काले काले पड़े हुए हैं। करीब 10-12 किलोमीटर बड़ी परेशानी हो गई, हाथों में दर्द हो गया गाड़ी चलाते चलाते। अब थोड़ा सा रोड सही आई, पता नहीं आगे ये दावकी तक पूरा 4 लेन का काम चल रहा है। और NHIDCL कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई डिपार्टमेंट है, NHI का ही है जो कि ये रोड बना रहा है। देखेंगे कभी गूगल में सर्च करके क्या है। तो अभी एशियाज क्लीनेस्ट विलेज जाना है, देखते हैं उसका रास्ता कहाँ से कटता है, फिर उसके बाद चलते। तो ये कोई जगह है यहाँ पे पांगटुंग, जगह का नाम है पांगटुंग, और यहाँ से 17 किलोमीटर है मावलिंग नोंग, 18 किलोमीटर दिखा रहा है। और इसी साइड में है लिंग खाट और दावकी तमाबील जो है, जिसे दावकी कहते हैं, यहाँ से 21 किलोमीटर है, इधर ही जाना है हमें। चले देखते हैं। एक खतरनाक जंगल के बीच में आ गए हैं एकदम। अब 9 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है, 9 18 आधा आ गए हैं, हाफ और बचा हुआ है। और डेंस फॉरेस्ट बड़ा ही खतरनाक है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तिराहा है, यहाँ से ये लिंका खाट करके कोई जगह है, इधर चला जाता है मावलिंग नोंग, इधर चला जाता है राइट साइड में। तो भूख भी लग रही है, लग रहा पहले पेट पूजा ही करनी पड़ेगी। तो भाई बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, 12 बजे से ऊपर हो गए थे। और यहाँ पे दुकान एक मिल गई, जगह जगह पे यहाँ पे दुकानें मिल जाती हैं। तो दाल चावल और ऐसे ही खाते हैं यहाँ पे, है एक पीस छोटा छोटा, 2 पीस चिकन का इसके साथ। 50 रुपीज़, 50 रुपये का है ये सब्जी। पता नहीं बनाते नहीं बनाते, केवल पोर्क और चिकन, ओनली पोर्क एंड चिकन, वेजिटेबल नो वेजिटेबल, सब्जी नहीं। भाषा भी नहीं समझ में आ रही है इन लोगों को। वैसे चपाती खाने का मन था, लेकिन यहाँ कहीं मिल नहीं रहा, चावल ही चावल मिल रहा है ज़्यादा। गला भी थोड़ा ख़राब है, लेकिन मजबूरन खाना ही पड़ेगा। और यहाँ पान का खूब चलन है, लोग पान खूब खाते हैं। ये पान का पत्ता है, सुपारी है, चूना है, और क्या क्या है, अरडुमा। अच्छा हाँ, ये कुछ और भी चीज है, चूना भी है इसमें लगा कर का, ये सूखी। मुंह लाल कर दिया है, ये रेड रेड रेड, इट बिकम्स रेड। तो ये कुछ दुकान रही यहाँ पे, और जहाँ पे हमने भोजन लिया थोड़ा सा।
मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आया, इनकी जो टोकरी है उसमें सुपारी है, पान का पत्ता है, चूना है, और जो कत्था होता है वो नहीं है, तो कैसे मुँह लाल हो जाता है ये नहीं समझ में आता है। ये सुपारी का एक टुकड़ा मैंने लिया है, खाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइट, दिस इज हार्ड, ये बहुत हार्ड है, ये दांत ही टूट जाएगा। नशा करेगा? नहीं, नशा नहीं करेगा। तो मैडम है यहाँ पे, मुंह आप दिखाइए अपना, रेड एकदम रेड हो गया है। तो इनके होटल पे क्या, व्हाट इज योर नेम? योर नेम स्केम्बन। स्केम्बन, 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 मैं नहीं बोल पा रहा, इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। यू स्टडी? नो, नो, नो स्टडी। ये लोग पढ़ते भी नहीं है, बहुत तीखा लग रहा है, बहुत नॉट स्वीट, स्वीट नहीं है सुपारी। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।